गुड मॉर्निंग। टुडे माय टॉपिक इज़ व्हाट इज़ एन आयन। आयन क्या होता है? कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पेसिस। द चार्ज स्पेसिस आर नोन एज आयन्स। आयन्स आर ऑफ द टू टाइप्स। आयन्स दो तरह के होते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटन। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है उसे हम कैटन कहते हैं। प्लस एंड नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनन। द आयन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली सिंगल एटम्स आर कॉल्ड मोनो एटोमिक आयन्स। जिस आयन्स पर सिंगल एटम्स चार्ज होता है उसे हम मोनो एटोमिक आयन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सिल्वर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सो ऑन एंड दे हैव द वैलेंसी वन। द आयन्स कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड होलो एटोमिक आयन्स। इस एटम पर ग्रुप ऑफ एटम्स पर दो से अधिक चार्ज होता है। द आयन्स कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड होलो एटोमिक। इस पर दो से अधिक एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, उस तरह के आयन्स को हम होलो एटोमिक आयन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमोनियम NH4 प्लस हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड OH माइनस नाइट्रेट NO3। इसमें दो एलिमेंट हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, कार्बोनेट CO2 3, सल्फेट SO2 3, सल्फाइड SO4 2, फॉस्फोरस PO3 4, etc. वाट इज वैलेंसी। द नेक्स्ट टॉपिक वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? जितने भी एटम्स हैं जो मोनो एटोमिक हैं उसकी वैलेंसी एक होती है। और जो पोलो एटोमिक है उसकी वैलेंसी एक से अधिक होती है। वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स और डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम विथ विच वन एटम ऑफ द एलिमेंट कंबाइंस फॉर। एग्जाम्पल वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। दिस मीन्स डैट वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कैन कंबाइन विथ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। उसके लास्ट सेल में 2 एटम्स होते हैं। दिस मीन्स डैट वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कैन कंबाइन विद द 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हेंस द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म इज H2O। आई एम गिविंग द स्टडी मटेरियल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक आयन्स ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। लर्न एंड राइट द सिम्बॉल ऑफ दैट आयन्स and their valency. Later on I will send the video of this topic. If any student is not connected with the Google class, they will see the WhatsApp group and answer the following question. Thank you. Have a nice day.